मिथुन राशि वाली महिलाओं, गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आने वाला जो नया साल है ना, विश्वास मानिए ये नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। बहुत लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, तो इस वर्ष 2025 के ऐसे 3 महीने आपके ग्रहों का अध्ययन करके वो 3 महीने लेकर आया हूं, जिसमें निश्चित रूप से आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन उसके लिए पूरे साल आपको क्या उपाय करनी है, क्या रेमेडीज करनी है, कैसे आप संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं, बहुत लंबे समय से बच्चे के लिए परेशान हैं, तरस रहे हैं, तो विश्वास कीजिए कि वर्ष 2025 आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, आपके जीवन में संतान का सुख आने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखने की जरूरत है। जय महाकाल, मैं आचार्य रोहित तिवारी आज बात कर रहा हूं मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए। अगर आपकी राशि मिथुन है तो वर्ष 2025 में जो सबसे पहला महीना है वह है फरवरी का महीना। मिथुन राशि वाली महिलाओं को फरवरी के महीने में गर्भ धारण करने के पूर्ण योग बन रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी पूर्ण योगकारी योग बनाकर बैठा हुआ है, जो आपको संतान का सुख देने वाला है। अगला जो महीना है वह है सितंबर का महीना। मिथुन राशि वाली महिलाओं को सितंबर के महीने में निश्चित रूप से प्रेगनेंसी कंसीव होगी। अगर आपकी कुंडली में कोई बुरा योग नहीं है, तो अगर कोई बुरा योग है तो उस योग का निवारण सितंबर के महीने से पहले पहले करा लीजिए, काफी फायदा होने वाला है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तीसरा जो महीना है वह महीना है नवंबर का। जी हाँ, मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए नवंबर 2025 के महीने में प्रेगनेंसी कंसीव होगी, अर्थात संतान का सुख होगा। और इस महीने अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो विश्वास मानिए कि आपको पुत्र संतान ही मिलने वाली है, और वो पुत्र संतान आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाली है, अच्छा भाग्य लेकर आने वाली है, आपके जीवन में तरक्की भी लेकर आने वाली संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। अब उपाय क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। 1 जनवरी से लेकर पूरे साल तक आपको इस उपाय को करना है। हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है। मंदिर ना हो तो अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। उन्हें हर दिन, प्रतिदिन, अगर ना हो सके तो बुधवार के दिन, और अगर हो सके तो प्रतिदिन 11 दूर्वा के अंकुर चढ़ाना है, और उसके बाद ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करना है 27 बार, और भगवान से संतान प्राप्ति की कामना करना है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, संतान का सुख भी आएगा, और गणेश जी सब कुछ मंगलमय करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।